हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास देखिए एलजी का सीआरटी टीवी आया है। इसका प्रॉब्लम ये है कि टीवी मैं ऑन कर रहा हूँ कि टीवी मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ से टीवी को ऑन कर दिया मैंने। देखिए तो इसका प्रॉब्लम ये, देखिए साउंड आ रहा है। देखिए सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या? साउंड आ रहा है लेकिन आप देखेंगे पिक्चर नहीं आ रहा है। इसके लिए पैसे कहाँ से है? साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर इसका नहीं आ रहा है। पिक्चर करीब 5 मिनट 6 मिनट ऐसे आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि बेस का प्रॉब्लम है। तो मैंने देखिए इससे पिक्चर नहीं आ रहा है, देखिए पिक्चर नहीं आ रहा है, तो आप सोचेंगे बेस का प्रॉब्लम। तो मैंने इसका बेस देखिए चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे बेस मैंने दो चेंज किया, इसका ये बेस लगा था तो मैंने दो नया नया बेस डाल के फिर देखा, तब पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इसका पिक्चर ट्यूब भी वीक था तो मैंने इसको चार्ज किया, पिक्चर ट्यूब इसका चार्ज किया अच्छे से, पिक्चर ट्यूब चार्ज कर दिया। इसका हीटर का वोल्टेज मैंने देखे वायर लपेट के, इसका 3 वोल्ट 2.5 वोल्ट के करीब आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लपेट के वायर 3.5 वोल्ट किया है। ठीक है, इसका देखिए वायर से 3 या 4 वोल्ट ऐसा कुछ आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 4.5 वोल्ट, पिक्चर ट्यूब बहुत वीक था तो मैंने इसका हीटर भी लपेटा, वायर देखिए कोर लगा के ESC से कोर लपेट के इसको मैंने 4.5 वोल्ट दिया इसको। ठीक है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पिक्चर लेट में आ रहा है। मैं इसका पूरा बेस ही चेंज करके देखा, देखिए इसके जगह पे दूसरा लगाया फिर भी वही सेम प्रॉब्लम, पिक्चर लेट आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हुआ कि आप एक जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आया जैसे कि बेस बदलने का अगर ना हो, पिक्चर बेस बदल लिए फिर भी पिक्चर लेट आ रहा है, तो मैंने भी दो बेस चेंज किया फिर भी पिक्चर लेट आया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब पिक्चर लेट ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या किया, पहले तो मैं इसको देखिए जो G2 का है, देखिए यहाँ पे G2 है तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ से जंपर निकाल के, यहाँ पे कनेक्शन है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड करके देखा, डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड कर दिया, ये जंपर निकाल के, ये वाला जंपर निकाल के डायरेक्ट ग्राउंड करके देखा, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे ना एक आपको एक 100K का रजिस्टर लेना पड़ेगा, 100K के ऊपर से 100K 150K या 100K का रजिस्टर लेके आप G1 देखिए ये G जो है ग्रीन कैथोड या रेड कैथोड या तो ब्लू कैथोड किसी पे 100K का एक प्रॉब आप जोड़ दीजिए। ठीक है, मैं टीवी को बंद कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये जो BK दिख रहा है, ब्लू कैथोड या रेड कैथोड या GK ग्रीन कैथोड किसी पे आप इस 100K का एक रजिस्टर इसको जोड़ दीजिए, एक यहाँ पे एक जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको 100K का यहाँ पे जोड़ दीजिए और एक ग्राउंड कर दीजिए, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, फिर तुरंत देखिए पिक्चर तुरंत आएगा। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ चालू करके, देखिए मैंने टीवी को चालू कर दिया है, टीवी मेरा चालू हो गया लेकिन पिक्चर अभी देखिए नहीं आएगा। आप देखें, देखिए साउंड आएगा लेकिन अभी देखिए साउंड आएगा, थोड़ा सा टाइम दे, साउंड आ गया लेकिन देखिए तीनों लगाए वीडियो वायर और देखिए वीडियो ऑडियो तीनों लगाए केबल, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, और देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, देखिए एक ग्राउंड और एक ग्रीन, देखिए पिक्चर आ गया, देखिए पिक्चर आ गया। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, टीवी को चालू किया मैं, थोड़ा सा वेट, देखिए अभी टीवी चालू है मेरा, देखिए आवाज़ आ गया, थोड़ा सा आवाज़ कम कर दे रहा हूँ मैं, आप इधर देखिए मैं इधर लगा रहा हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है, आप उधर देखते रहिएगा, मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए सॉरी, मैं इसको एक इसका एक प्रॉप जोड़ देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने 100K का एक ग्राउंड कर दिया है, अब देखिए मैं यहाँ पे चाहे ब्लू पे लगाइए चाहे रेड पे लगाए किसी भी, देखिए मैं यहाँ पे देखिए ब्लू पे लगा रहा हूँ, आप देखिए देखिए पिक्चर आ गया, देखिए ब्लू पे लगाते ही पिक्चर आ गया। देखिए अब इसको आप यहाँ पे परमानेंट सोल्ड कर दीजिए,
तो पिक्चर देखिए तुरंत आएगा, मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 100K का रजिस्टर लिया, ब्लू कैथोड या रेड कैथोड या तो ग्रीन कैथोड पे किसी भी एक कैथोड पे, और 100K का रजिस्टर लेके उसको ग्राउंड कर लीजिए। देखिए एक ग्राउंड एक ब्लू कैथोड पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही टीवी मैं चालू करूँगा पिक्चर तुरंत आएगा। अब देखिए इधर देखिए जैसे आवाज़ आएगा वैसे पिक्चर तुरंत आएगा। देखिए प्रॉब्लम देखिए मेरा सॉल्व हो गया, ये लाए कैमरा कपड़ा मैं आपके सामने दिखा, ये देखिए पिक्चर एकदम क्लीन हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप ए जुगाड़ बोलिए या तो कुछ भी बोलिए, ये ट्रिक लगाइए आप, ठीक है। फ्रेंड इसमें आप ये मत समझिएगा कि ये AVL का फॉल्ट है, AVL का फॉल्ट नहीं था, AVL का सब ठीक था, पिक्चर तो आ रहा था लेट में ना, तो ये फॉल्ट कुछ और ही था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू से जोड़ा था, लेकिन अभी मैं परमानेंट इसको रेड से जोड़ दे रहा हूँ, कहीं से जोड़ दीजिए, ठीक है। ब्लू से या तो रेड से, फिर या ग्रीन से, तो मैंने एक ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया, ठीक है। तो आप इसका ये मत सोचिएगा कि AVL का फॉल्ट हो सकता है, AVL का फॉल्ट नहीं था, ठीक है। AVL वैसे मैंने चेक किया, फिर बाद में सब चेक वेक करके तब इसमें परेशान हो गया। या तो आप ऐसा कर सकते हैं किट निकाल के दूसरा किट लगा के देखिए कि ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, फॉल्ट को ट्रेस किया, फॉल्ट पाया और मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत ही मेहनत किया मैंने। मेरे सर बोलते हैं कि किसी चीज़ को आप मन से दिल से करोगे तो आपको उस समय आपका ईश्वर भी साथ देता है। तो मैंने इसको बहुत परेशान हुआ, समझ लीजिए एकदम परेशान हुआ, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो सर मेरे सही बोलते हैं कि किसी चीज़ को दिल से करो तो इसमें आपका ईश्वर भी साथ देते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें AVL का फॉल्ट था, पिक्चर आ रहा था लेट में आ रहा था, करीब 5 मिनट 6 मिनट बाद 4 मिनट बाद ऐसे आ रहा था। इतना लंबा अगर मैं वेट कराता रहूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि AVL का फॉल्ट है, ठीक है। और हाँ एक बात और फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम आया तो पहले आप यहाँ पे एक रजिस्टर लगता है, जैसे हीटर का जो सप्लाई आता है ना, तो रजिस्टर से फ्यूजिबल रजिस्टर से होकर तब जाता है। तो आप पहले एक काम करिए, रजिस्टर को निकाल के उसको डायरेक्ट करके देखिए पिक्चर मेरा पहले फटाक से आ जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप बेस को चेंज करिए, बेस चेंज करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आप यही वाला जुगाड़ करिए, ये ट्रिक लगाइए, ठीक है। अगर देख लीजिए AVL में फॉल्ट तो नहीं है, AVL सेक्शन सब चेक कर लीजिए, मान लीजिए AVL आपका ओके है, पिक्चर आ रहा है लेकिन लेट में आ रहा है, बेस चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कभी इक्का दुक्का में आता है, मतलब 100 TV में 1-2 TV में ऐसा फॉल्ट आ गया 100, ठीक है, तो आप तब ये करिए, ठीक है। तो फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्त भी उनको मदद मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।